तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एयरटेल ब्लैक प्लान के बारे में, और साथ में क्या ये सर्विस जो एयरटेल ब्लैक नाम से एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, वर्थ इट है या आपको इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्रोज एंड कॉन्स, ताकि आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाए क्या आपके लिए एयरटेल ब्लैक प्लान लेना सही डिसीजन रहेगा या नहीं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे मैं रजत रेडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। जीजू, ये केबल वाला फोन नहीं उठा रहा है। एक मिनट पापा, यहाँ पे वाईफाई क्यों नहीं आ रहा है? दो मिनट, मोबाइल बिल्स कब भरोगे? पाँच मिनट डैड, नेट स्लो है। एक सेकंड, मैं इस घर का सीईओ हूँ, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, एवरीथिंग। यानी सबकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है? ये सब मेरा ही तो काम है। एक्चुअली ये आपका काम है ही नहीं। फिर किसका है? आज से ही आपका नहीं हमारा काम है। इंट्रोड्यूसिंग एयरटेल ब्लैक। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरटेल के प्रोस के बारे में, एयरटेल ब्लैक प्लान के प्रोस के बारे में। तो कुछ चार पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं इसमें, जो मुझे जेन्युइनली लगते हैं कि अगर आपको एयरटेल ब्लैक प्लान लेना चाहिए तो यही वो चार कार्ड होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों, फ्री सर्विस रिजल्ट। जी दोस्तों, तो आपको अगर आप एयरटेल ब्लैक प्लान के सब्सक्राइबर हैं तो आपको फ्री सर्विस विजिट्स मिलेंगी अपने घर पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डीटीएच में, आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन में, या किसी और चीज़ में, अगर आप एयरटेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वैसे ये तीन ही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की आपको सर्विस विजिट चाहिए इंजीनियर की एयरटेल की तरफ से, तो आपको वो कम्प्लीटली फ्री मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है एयरटेल की तरफ से, और मेरी लिस्ट में नंबर वन पर आता है ये प्रोज में फ्रॉम एयरटेल ब्लैक प्लान। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अब सेकेंड पॉइंट के बारे में, तो सेकेंड पॉइंट आता है वन बिल। जी हाँ दोस्तों, आपके पास डीटीएच सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं एयरटेल की, वाइल्ड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, पोस्टपेड प्लान है आपके पास, या दोस्तों आपके पास डीटीएच कनेक्शन है एयरटेल का, तो आप तीनों के प्लान जो है या तीनों के बिल जो है वो एक ही बिल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एयरटेल ब्लैक प्लान के थ्रू, और आपको सिर्फ मंथली एक ही बिल पे करना होगा। आपको अलग अलग बिल नहीं पे करना है कि आपके तीन चार पोस्टपेड कनेक्शन है, डीटीएच कनेक्शन एक दो है घर में, ब्रॉडबैंड के अलग अलग कनेक्शन है, तो आप सबको एक ही बिल में कन्वर्ट करके वन बिल में पे कर सकते हो, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है एयरटेल की तरफ से। दोस्तों, तीसरी चीज है आपका प्रायोरिटी कस्टमर सर्विस। जी दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल ब्लैक प्लान के सब्सक्राइबर हैं तो आपको जो कस्टमर सर्विस मिलेगी, जब भी आप कॉल करते हैं एयरटेल के नंबर पे कस्टमर सर्विस पे, तो आपकी कॉल बहुत जल्दी पिक करी जाएगी और आपकी क्वेरी का सोल्यूशन भी बहुत जल्दी दिया जाएगा, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने लार्ज सब्सक्राइबर होने के साथ एयरटेल के अगर आप यूज़र हैं तो आप जानते होंगे कॉल पिक करने में कई बार बहुत देरी हो जाती है, तो अगेन ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। तो प्रोज की अगर मैं टॉप थ्री प्रोज की बात करूँ, तो सबसे पहला था आपका दोस्तों फ्री सर्विस विजिट्स होम पे, ऑफिस पे, जहाँ भी आपके डिफरेंट कनेक्शन है एयरटेल के। दूसरा था दोस्तों आपका वन बिल, आप एक ही बिल जनरेट होगा आपका, जितने भी आपके कनेक्शन है, जो भी सर्विस आप ले रहे हैं एयरटेल की, सिर्फ एक बिल ही आपको पे करना पड़ेगा। तीसरा था दोस्तों आपका प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, आपको एक प्रायोरिटाइज कस्टमर के तौर पर देखा जाएगा और आपकी क्वेरीज को बहुत जल्दी रिजोल्व करेंगे एयरटेल की तरफ से। दोस्तों, जो चौथा और बोनस प्रोस वाला पॉइंट है, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप डीटीएच बहुत ज़्यादा देखते हैं, आजकल ओटीटी की दुनिया चल रही है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिफरेंट डिफरेंट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर काफ़ी सारे लोग अब व्यूअर्स के तौर पे आ गए हैं, तो डीटीएच का स्पेशली नए जनरेशन में थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है, मगर अगर आज भी आप डीटीएच का कनेक्शन यूज़ करते हैं और आपके एयरटेल ब्लैक प्लान में डीटीएच का कनेक्शन अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सर्विसेज क्लब करने के बाद एयरटेल ब्लैक प्लान काफ़ी सस्ता भी पड़ सकता है आपको। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये चार पॉइंट्स थे, जिस वजह से आपको शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि आपको एयरटेल ब्लैक प्लान कंसिडर करना चाहिए। इन चार पॉइंट्स के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं करा, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उस कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं और सारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि और कौन सी ऐसी वजह हो सकती है कि आपको एयरटेल का ब्लैक प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, जिसमें मैं एयरटेल के कौन से पॉइंट बताऊंगा, और वो वजह बताऊंगा, तीन या चार वजह हैं वो भी, और तीन मोस्टली इंपॉर्टेंट वजह हैं जो आपको एयरटेल का ब्लैक प्लान की सच्चाई बताएंगी कि आपको कौन सी छुपी चीज़ें जो नहीं पता है और आपको रिफ्रेन करना चाहिए, एयरटेल का ब्लैक प्लान नहीं लेना चाहिए, वो वजह भी मैं आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वेट करिएगा उस वीडियो का, वो भी जल्दी आएगा चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दें, उससे चैनल को काफ़ी मोटिवेशन होता है और हेल्प भी होती है फ्यूचर वीडियोज़ में अच्छा कंटेंट लाने। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।